तेलंगाना हज कमेटी के जरिए 450 आजमीन हज जुमेरात को हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से शमसाबाद एयरपोर्ट से तीन मुख्तलिफ परवाजों के साथ रवाना हुए। ताल 3,750 आजमीन जिद्दा पहुंच गए। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IFS शफीउल्लाह, यो इरफान शरीफ, हज कमेटी के मेम्बरान सैयद गुलाम अहमद हुसैन, मेम्बर सैयद इरफान उल हक और दीगर मेम्बरान हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। सरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने काफिलों को झंडी दिखाई। हाजी साहिबान को मैं दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों को चुनकर और बुलाया है, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं। मैं बार बार आपको दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात यह है कि आप लोग पासपोर्ट का ख्याल रखिए, पासपोर्ट हिफाजत से रखिए और बड़े पास है, और वहाँ पर भी जो है कोल्ड नॉट कोल्ड बल्कि पानी भी रहता, नॉट कोल्ड का पानी पीना, नॉर्मल पानी, क्योंकि ठंडा पानी या जूस या अगर आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीजें खाए तो थोड़ा टेंशन होता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है वहां पर। तो वो हिसाब से आप लोग जो है एहतियात बरतीजिए, क्यों बन के जा रहे हैं और अपन इबादत के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग वीडियो कॉल करके अपने फैमिली को बताते रहते हैं, तो सब चीजें बंद कर दीजिए। रात में इबादत से बात कर लीजिए पूरा डिनर के बाद, अपनी खैर खैरियत लीजिए, क्योंकि आप लोग अल्लाह के नाम में निकले हैं तो आप उन पर रख के ले जा सकते हैं। आज वर्ल्ड में जो है कितने लोग है, अरबों खरबों लोग है, नहीं जा सकते, पैसा रख के भी नहीं जा सकते, कि अल्लाह ताला जिसको बुलावा आता वो भी जा सकते हैं। तो ये अपन इतनी दूर जा रहे हैं अपन, तो अपन वो हिसाब से जो है ना अपन अल्लाह के तरफ लौट आ रहे हैं। शॉपिंग जो है यहाँ पर भी कर सकते हैं, अपन कोई भी लेना देना है वहां पर, वो शॉपिंग का टाइम भी इबादत में दे रहा है अपने, और नमाज में भी जल्दबाजी मत करिए आप लोग, नमाज सुकून से पढ़िए, क्योंकि जल्दबाजी करने से नमाज भी कबूल नहीं होती, क्योंकि 40 साल एक साहबी नमाज पढ़े ऊपर से हुक्म हुआ कि जो है 40 साल में जो है इबादत कबूल नहीं है बल्कि नमाज, क्योंकि अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है आपकी नमाज से, अल्लाह ताला ये किए, मगर आप नमाज भी एहतराम से पढ़िए, क्योंकि अपन लोग दावत पे गए तो कितना तैयारी से जाते हैं, अपन जाके ऊपर बैठते हैं और 2-3 घंटे नमाज के लिए भी जाना होता है, टाइम निकाल कर साफ सफाई से लेकर सिजदे